मोहनीश बहल सलमान के भाई बनकर हिट हुए मोहनीश का है नूतन से गहरा नाता। माँ की फिल्म न देखने के पीछे है खास वजह। मोहनीश बहल का जन्म 14 अगस्त 1961 को मुंबई में हुआ था। मोहनीश की माँ हिंदी सिनेमा में मशहूर अभिनेत्री नूतन थी। वह हिंदी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री काजोल के मौसेरे भाई हैं। मोहनीश बहल ने अपनी शुरुआती पढ़ाई मुंबई से पूरी की है। मोहनीश बहल की शादी एकता बहल से संपन्न हुई है। उनकी दो बेटियां भी हैं। बॉलीवुड की कई बेहतरीन फिल्मों में विलेन और लीड अभिनेता का किरदार निभा चुके हैं। इंडस्ट्री में अपनी दमदार अदाकारी से एक अलग पहचान बनाने वाले मोहनीश को लोगों ने ऑन स्क्रीन सलमान के भाई के रूप में सबका दिल जीतते हुए देखा है। मोहनीश बॉलीवुड के उन कलाकारों में शामिल हैं जिन्होंने नकारात्मक किरदार से लोगों के दिलों में नफरत पैदा की तो फिर संस्कारी बड़े भैया बनकर लोगों का दिल भी जीत लिया। बड़े पर्दे से लेकर छोटे पर्दे तक अपनी अदायगी का दम दिखा चुके मोहनीश ने अपने करियर की शुरुआत बेकरार फिल्म से की थी। इस फिल्म के बाद वह लगातार कई फिल्मों में काम करते नजर आए। हर तरह से अपनी प्रतिभा को साबित कर चुके मोहनीश इंडस्ट्री की अपने समय की हिट अभिनेत्री नूतन के बेटे हैं। आज हम आपको मोहनीश बहल और उनकी मां नूतन से जुड़ा एक किस्सा बताने जा रहे हैं। चलिए जानते हैं मोहनीश बहल की लाइफ स्टोरी। मोहनीश बॉलीवुड की एक ऐसी बेहतरीन अभिनेत्री के बेटे हैं जो न केवल खूबसूरत थीं बल्कि एक महान अदाकार भी थीं। हम बात कर रहे हैं नूतन की। इंडस्ट्री की इतनी सफल हीरोइन के बेटे होने के बावजूद मोहनीश ने अपनी कड़ी मेहनत से दुनिया भर में पहचान बनाई थी। हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ हैं जैसी सुपरहिट फिल्मों में सलमान के ऑन स्क्रीन भाई बन चुके मोहनीश बहल न केवल भाईजान के संस्कारी भाई थे बल्कि हम आपके हैं कौन में उनके प्रतिस्पर्धी भी रह चुके हैं। फिर भी दुनिया मोहनीश को एक आदर्श और संस्कारी बेटे के रूप में जानती है। जैकी श्रॉफ की पत्नी आयशा के साथ हॉलीवुड फिल्म अ ब्लू लगून पर बनी फिल्म तेरी बाहों में काम कर चुके मोहनीश को करियर की शुरुआत में असफलता झेलनी पड़ी थी, लेकिन फिर भी कभी उन्होंने अपनी मां नूतन के नाम का सहारा नहीं लिया। मोहनीश अपने मां से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी मां के निधन के बाद से आज तक उनकी एक भी फिल्म नहीं देखी है। नूतन की फिल्में मोहनीश को उनकी याद दिलाती हैं और वह जितनी बार फिल्में देखते हैं उतनी बार उन्हें मां की याद आती है। मां को याद करते हुए मोहनीश काफी इमोशनल हो जाते हैं, इस वजह से वह अब अपनी मां की फिल्में ही नहीं देखते हैं। राजश्री के बैनर तले बनी फिल्म मैंने प्यार किया मोहनीश के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई थी। उसके बाद उन्होंने राजा हिंदुस्तानी, कहो ना प्यार है, अस्तित्व, फोर्स, जय हो जैसी कई फिल्मों में काम किया है। अभिनेता ने अपने करियर में करीब 100 से भी ज्यादा फिल्में की हैं। इतना ही नहीं, मोहनीश ने फिल्मों के अलावा सीरियल्स में अपनी अदायगी का जादू चलाया। इन सीरियल्स में आरजू है तू, कहानी घर घर की, दिल मिल गए, कस्तूरी, कुछ तो लोग कहेंगे, सावधान इंडिया, संजीवनी और फिर दिल मिल गए शामिल हैं। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।